लद्दाख में शुक्रवार को हुए बस हादसे में 7 सैनिकों के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में लिखा गया है कि लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूँ, जिसमें हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया। मेरी संवेदनशील शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को लद्दाख में श्योक नदी के पास एक वाहन में सड़क से फिसल कर खाई में गिर जाने से 7 सैनिकों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि 26 सैनिकों का एक दल परतापुर ट्रांजिट कैंप से लेह जिले के तुरतुक में अग्रिम स्थान की ओर जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना की मदद से अधिक गंभीर लोगों को पश्चिम कमान में स्थानांतरित करने के लिए हवाई प्रयास की आवश्यकता शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।